नमस्कार साथियों, आज है 7 जनवरी 2020। आज के मुख्य समाचार जानते हैं, आज के क्या न्यूज है महत्वपूर्ण, तो चलिए देखते हैं। पहली खबर है आपके लिए, भर्तियां 2020, खाली पदों के मुकाबले भर्तियों के पद बेहद कम है, इस घोषणा ने दी कुछ राहत। शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं 1,00,000 पद, लेकिन भर्तियां सिर्फ 34,000 पद पर ही होगी। चलिए अगली खबर है आपके लिए, देश में पहली बार IIT जोधपुर शुरू करेगा टेक MBA, 60 सीटों पर मिलेगा एडमिशन। 20 फैकल्टी होगी नियुक्त, MBA करने के लिए जरूरी होगा BTEC, जुलाई में से प्रवेश प्रक्रिया शुरू। मनोज कुमार पुरोहित, जोधपुर से न्यूज। अगली खबर है, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का रिजल्ट दोबारा जारी होगा, जोधपुर से बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 का परिणाम व वरीयता सूची संशोधित कर दोबारा जारी करने को कहा। अगली खबर है आप सभी के लिए, वीवी में स्वयं पार्टी परीक्षाएं 13 फरवरी और नियमित परीक्षाएं 12 मार्च से, वीवी में परीक्षाओं की तैयारी तेज, जोधपुर नवज्योति से खबर। अगली खबर है, थर्ड ग्रेड भर्ती 2013 प्रभावित 434 शिक्षकों का वेतन नियमितीकरण होगा जल्दी, ब्यूरो नवज्योति जयपुर से खबर। अगली खबर है, पंच सरपंच चुनाव पहले चरण की अधिसूचना आज होगी जारी, ब्यूरो नवज्योति जयपुर से खबर। अगली खबर है आपके लिए, प्रधानाध्यापक संस्कृत शिक्षा के लिए पुनः मांगे ऑनलाइन आवेदन 264 पदों पर। अगली खबर है, कक्षा 8 से तक के विद्यार्थियों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित, कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित 7 व 8 जनवरी को। अगली खबर है, स्कूल व्याख्याता परीक्षा GK में 52.38% व राजनीतिक विज्ञान में 51.58% ने दी परीक्षा, आज 3 विषयों के होंगे पेपर। अगली खबर है, व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं में 10,624 परीक्षार्थी बैठे, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 10,624 परीक्षार्थी बैठे। अगली खबर है, छुट्टियों का साल, गणतंत्र दिवस, दशहरा व गोवर्धन पूजा जैसे कई त्यौहार, रविवार को गणेश चतुर्थी और महानवमी, शनिवार को सरकारी कर्मचारियों को 263 दिन ऑफिस, बच्चों को 212 दिन ही जाना होगा स्कूल। बड़ी खबर है अगला है, गार्गी पुरस्कार के लिए साला दर्पण पर ऑनलाइन भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन, जयपुर से खबर। अगली खबर है, 20.56 लाख स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड, तो 20 लाख विद्यार्थी है जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जल्दी होंगे आरमेट के लिए एडमिट कार्ड, जल्दी होंगे आरमेट के लिए एडमिट कार्ड जारी, जनवरी के अंत में होगा, हो सकती है केट काउंसलिंग, जनवरी के अंत में हो सकती है केट काउंसलिंग। अगली है, कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, कल जारी कर दिया गया था। अगली यहाँ पर विज्ञप्ति है, कार्यालय महानिदेशक पुलिस उपनिदेशक की यहाँ पर भर्ती निकली है, पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा उपनिदेशक प्लाटून कमांडर के 68 पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ी की भर्ती है, तो पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आज के शिक्षा जगत समाचार ये सारे थे, तो आपको ये शिक्षा जगत समाचार यदि अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आपको डेली सही समय पर आपको ये मिल जाएगी, तो आप हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते रहिए और आपको शिक्षा जगत समाचार मिल जाएगा, राजस्थान और ऑल इंडिया का शिक्षा जगत समाचार, साथ में करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतजार करते रहिए। अगर आपको भी किसी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रश्न में डाउट है तो 8400400400 के व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को क्लिक कीजिए और क्रॉप करके सेंड कर दीजिए, तुरंत ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और उसके साथ आपको ऐप के माध्यम से भी आप क्लास 6 से 12 तक लेकर आप JEE Mains की तैयारी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाउनलोड कीजिए।